तद्दृश्यं दृक्तुमानसं दृश्याद्धिवृत्तयः साक्षी दृश्याद्धिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तु दृश्यते दृगेव न तु दृश्यते नीलपीतस्थूलसूक्ष्म ह्रस्वदीर्घादिभेदतः नानाविधानिरूपाणि पश्येत् लोचनमेकधा पश्येत् लोचनमेकधा आन्ध्यमान्ध्यपटुत्वेषु नेत्रधर्मेषु चैकधा संकल्पयेन्मनःस्रोत्र त्वगादौ योज्यतामिदम् त्वगादौ योज्यतामिदम् कामः संकल्पसंदेहौ कामः संकल्पसंदेहौ श्रद्धा श्रद्धा धृतितरे ह्रीर्भिर्धीर्त्येवमादीन् ह्रीर्धीर्भिर्त्येवमादीन् भासयत्येकधा चितिः भासयत्येकधा चितिः नोदेति नास्तमेत्येषा नोदेति नास्तमेत्येषा
वृद्धिं याति न क्षयम्। न वृद्धिं याति न क्षयम्। स्वयं विभात्यथान्यानि भासयेत् साधनं विना दृष्टा और दृश्य के पृथक्करण की प्रक्रिया में सबसे पहले हम लोगों ने तीन नियमों का निर्धारण किया। नियम बहुत सरल हैं, लेकिन जब हम उनको सिद्धांत में प्रयोग करते हैं तो जो निर्णय निकलते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण नियम होते हैं, निर्णय होते हैं। पहला नियम ये है कि दृष्टा और दृश्य दोनों अलग हैं, एक ही वस्तु दृष्टा और एक ही वस्तु वही वस्तु दृश्य नहीं होती। दूसरा नियम यह है कि दृश्य कभी अपने दृष्टा का दृष्टा नहीं हो सकती। तीसरा नियम यह है कि दृश्य स्वयं का दृष्टा नहीं हो सकता। तो इन नियमों की परीक्षा हुई, निर्धारण हो गए ये नियम। तो अब विचार करते समय इन नियमों की बात को हमें मानना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। तो इस क्रम में जो चार पंक्तियां हैं वो हम लोगों ने देखी। रूपम दृश्यम लोचनम दृक्। इसमें तीनों नियमों को घटने में कोई कठिनाई नहीं है। फिर तद्दृश्यम दृक्तु मानसम, यहाँ जो पद का अर्थ है वो भी ध्यान में रखना चाहिए। तो जैसे लोचन का अर्थ कल हम लोगों ने किया सामर्थ्य विशेष, दर्शन सामर्थ्य विशेष का नाम नेत्र इंद्रिय है। इसी तरह से श्रवण सामर्थ्य विशेष का नाम श्रोत्र है। तो रासन सामर्थ्य विशेष का नाम रसना है। तो इंद्रियों की पहचान भी होनी चाहिए। ये जो शब्द बनाए गए तो वो किस अर्थ को इंगित करने के लिए बनाए गए यह हमारी बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए। माने पद का पदार्थ स्पष्ट होना चाहिए। और भीतर चूंकि ये अध्यात्म विद्या है और भगवान ने गीता में कहा अध्यात्म विद्या विद्यानाम, समस्त विद्याओं में मैं स्वयं अध्यात्म विद्या हूँ। देखो तो प्रभु की दृष्टि में इस विद्या की महिमा आप समझो। अगर सही सही विद्यार्थी हो जाएं तो साधारण साधारण विद्याएं मनुष्य को कहाँ प्रतिष्ठित कर देती हैं।
तो जिसकी प्रशंसा स्वयं परमात्मा करते हों, उस विद्या का जो विद्वान है, उस विद्या का जो विद्यार्थी है, वो कहाँ प्रतिष्ठित होगा, इसकी तो बात सोची जा सकती है। और जिन्होंने इसको लगन से प्राप्त किया, उनमें ये बात देखी जा सकती है, है ना? माने वो प्रत्यक्ष दृष्टांत हैं भगवान के वचन का। तो वो साहन के शाह बाहरी दुनिया में और भीतरी दुनिया में धन्य। विद्या ही मनुष्य को ऊपर ले जाती है। इंजीनियरिंग करी, एक विद्या हमारे पास है, वो हमको एक हद तक ले जाती है। मेडिकल साइंस पढ़ी, वो एक विद्या है जो हमें एक हद तक ले जाती है। MBA किया अथवा किसी विशेष विद्या में शोध छात्र बने, भूगोल में, इतिहास में, आर्कियोलॉजी में, हर विद्या मनुष्य को उठा के ले जाती है। विद्या ना हो तो मनुष्य मजदूर हो गया, नहीं? आखिर मजदूरी करने की नौबत कब आती है? तो विद्या नहीं है तो जीव है, उसके पास मनुष्य का शरीर है, लेकिन वो तो न भीतर उठता है न बाहर उठता है। ये जो बाहरी विद्याएं हैं वो बाहर उठाती हैं, भीतर उठाएं ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन तो भगवान ने इसलिए कहा, या तो अध्यात्म विद्या विद्या नाम। श्रुति माता इस विद्या की स्तुति करती हैं, सदा सद्भिः सेव्यमानाम निगूढ़ाम, सदा सद्भिः सेव्यमानाम अधीहि भगवो ब्रह्म विद्याम वरिष्ठाम। किसने बोला? किसने? हाँ, नंद बाबा ने। अधीहि भगवो भगवो ब्रह्म विद्याम, कैसी है वो? वरिष्ठाम, सर्व विद्या प्रतिष्ठाम, ऐसे शब्द आते हैं। तो उसका जो अभिप्राय है, उसका जो गांभीर्य है, वो धीरे धीरे समझ में आता है कि ऐसी विद्या है जो आपसे साधन चतुष्टय रूपी अधिकार मांगती है। तो BA और MA और MBA और IIT और IIM नहीं मांगती। और हमने अपने अनुभव से देखा है कि उसकी कोई कीमत नहीं होती इस विद्या में। सच्ची बात यही है। कई बार वो लोग कहीं चल नहीं पाते, और चलते भी हैं तो अपने भीतरी गुणों के कारण, उन विद्याओं के कारण नहीं। कबीर के पास क्या विद्या? मसी कागज, कैसे दुआ है? मसी कागज छोयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। ये बोले, बोले स्याही और दवात और कलम मैंने छुआ ही नहीं और कागज पर कभी लिखा नहीं। तो लोग उनके ऊपर थीसिस लिखते हैं, PhD करते हैं। शहंशाहों को डांट देते थे, मुल्लाओं के राज में मुल्लाओं को डांटने वाला एक ही आदमी हुआ ऐसे अले तापर मुल्ला बाग दे बहिरो भया खुदा है। इतनी जोर से ऊपर जाके बोलते हो, खुदा बहरा हो गया क्या? कब बोलते हैं वो?
अकबर के जमाने में जहां सिपाही से लेकर कोतवाल से लेकर के शहंशाह तक सब मुसलमान लोग हों, तो ये विद्या ऐसी है, इसको ठीक ठीक से हृदय में प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है। गरिमा देते हुए तो कैसे प्रतिष्ठित करें, एक तो पदार्थ को समझे हो, और फिर चूंकि अध्यात्म विद्या है इसलिए भीतर उसको पहचानो। तो इंद्रिय को जांचने परखने के लिए हमें कोई प्रयोगशाला और लेबोरेटरी नहीं चाहिए। इंद्रिय क्या चीज है इसको समझने के लिए आप आंख बंद करो, ठीक है, और भीतर ही जांचो कि आखिर मेरे पास भी तो इंद्रिय है। तो शास्त्र की मदद से, है ना, श्रवण के सहारे भीतर पहचान हो जाए कि हाँ ये रही इंद्रिय। अच्छा अच्छा तो पद पदार्थ का झगड़ा ही मिट जाए, क्योंकि आपने अपने भीतर उसको पहचान लिया, सही पाया कि हाँ जी सामर्थ्य विशेष का ही नाम इंद्रिय है। बोले मुझे तो लगता ही नहीं कि मुझ में सामर्थ्य है तो और जांच करो फिर। ये भीतर की चीजें हैं, भीतर अनुभव कर सकते हो आप, पहचान सकते हो, हाँ बोल सकते हो। तो अगर भीतर उसकी पहचान नहीं करोगे तब लोग बोलेंगे कि ये थियोरेटिकल है। अब थियोरेटिकल क्या होता है, चीज बताई गई वो हमारे भीतर है, मैं उसका अनुभव करता हूं, बात खत्म हुई। ये कोई केमिस्ट्री थोड़ो है कि पहले थ्योरी पढ़ी और फिर हैं? कोई पाक शास्त्र नहीं है कि पहले किताब में पढ़ा फिर किचन में जाके क्या किया, हैं? पाक बनाया, ऐसा नहीं है। ये विद्या पाक विद्या नहीं है, ये विद्या अध्यात्म विद्या है। वहीं देख लो आप, घर की चीज है भाई सुदर्शन सामर्थ्य श्रवण सामर्थ्य, इसलिए तो निधिध्यासन किया जाता है। श्रुति माता ने कहा जिसको आंख बंद करने आता नहीं वो इस विद्या में गति नहीं कर सकता। कश्चित धीरः प्रत्यक आत्मानम ऐक्षत, पूरा करो नंद बाबा, नहीं, कश्चित धीरः प्रत्यक आत्मानम ऐक्षत आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्न। आवृत्त चक्षुः, ये जरा अंतर्मुखी, आवृत्त चक्षु माने आंख जो है बाहर बाहर दिखाती हैं, बंद करो बाहर देखना। कम से कम जिन पदों को हम समझना चाहते हैं उनको भीतर देखें। तो रूपम जो है वो नेत्र गोलक भी पकड़ में आएगा कि ये तो रूप रूप ही है। ये सामर्थ्य विशेष इंद्रिय है, 10 सामर्थ्य ऐसी हैं, पहचानो उसको, महसूस करो, अनुभव करो। पैर में गति सामर्थ्य है, महसूस करो। बोले मुझे तो केवल मांस रक्त ही शायद अनुमान में आता है, नहीं, हाथ में कर्म सामर्थ्य है, ग्रहण सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य को महसूस करने वाले कितने हैं? गतिरिति पादयो हो कर्मेति हस्तयो हो, पढ़ते हो ना आप, देखो
उपनिषद में अभी आपको पाठ कराया जा रहा है, गतिरिति पादयो कर्मेति हस्तयो, ऐसे बोलते हैं। तो उसको सीधा परोक्ष कर लो, साक्षात्कार करो। ये साक्षात्कार का जो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होगा, अंग्रेजी से कल हिंदी बोला था, अब हिंदी से अंग्रेजी बोलता हूँ। वो साक्षात्कार शब्द का अंग्रेजी में जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा रियलाइजेशन, नॉट इंटरव्यू। यू कम टू रियलाइज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रियलाइजेशन? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। रियलाइजेशन माने क्या होता है कि एक चीज का आपको पहले से परिचय है और अनुभव भी है, सोचे बिना मत बोलना। ये तो चिंतन मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। देखो, एक व्यक्ति है हमारा हितैषी और बार बार हमारा हित करता है, ये हमारा अनुभव भी है। लेकिन इसके अनुभव के बावजूद आप इस बात को रियलाइज नहीं करते, तो किसी बिंदु पे आकर के कई बार वो हम बोलते हैं कि नाउ आई रियलाइज दैट व्हाट ए ग्रेट मैन ही वाज। माने एक नए अनुभव का नाम रियलाइजेशन नहीं है, ध्यान देना। रियलाइजेशन इज नॉट अ न्यू एक्सपीरियंस। इसलिए मैंने कहा इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। जो पहले से ही सिद्ध है, पहले से ही अनुभव में आ चुका है और आता रहता है, आपने क्या किया उसको पहचाना, ये उसको बोलते हैं रियलाइजेशन। व्हाट ए ग्रेट फ्रेंड ही इज, नाउ आई रियलाइज। तो क्या उसी दिन फ्रेंड बना क्या हो? वो 30 साल से आपका मित्र है और निरंतर उसका चरित्र एक है, लेकिन हमारी मूर्खता के कारण हम उसको पहचानते नहीं थे, आज हमने उसको पहचाना। इसको बोलते हैं रियलाइजेशन। कोई बिजली चमकने का नाम रियलाइजेशन नहीं होता। सिर पे ब्रह्मरंध्र पे कोई हाथ रख दे बोले रियलाइज कर लिया, वो बिल्कुल गलत अर्थ है। क्योंकि रियलाइजेशन का मतलब है यू हैव बीन एक्सपीरियंसिंग ऑलरेडी, पहले से ही एक चीज का आपको निरंतर अनुभव हो रहा था, फिर उस पर ध्यान नहीं गया और उसको हमने पहचाना नहीं। सो प्लीज कम टू रियलाइज योर सेंसेस। इंद्रिय बनाने की जरूरत नहीं है, इंद्रियों को पहचानिए, उसका साक्षात्कार करिए, फिर देखिए वो किससे मालूम पड़ती हैं। शास्त्र की मदद ले लीजिए, क्योंकि कई बार हमारे चिंतन में दोष आ जाता है, तो शास्त्र से प्रमाणित चिंतन होना चाहिए। माने हमारा जो चिंतन है शास्त्र के द्वारा, उसका सत्यापन आवश्यक है। सत्यापन माने सर्टिफिकेशन और क्या बोलेंगे, कन्फर्मेशन, कि जो हमने सोचा, जो मैं निर्णय पर पहुंच रहा हूं वो सही है या नहीं है। कब लगेगा कि सही है? जब शास्त्र का हस्ताक्षर उस पर मिल जाए। ये तो बोले कि ये जो इंद्रियां हैं वो मन से मालूम पड़ती हैं। मन भी एक सामर्थ्य है,
कौन सी सामर्थ्य है? मनुते अनेन इति मनः, मनन सामर्थ्य जो हमारे भीतर है, तो जानने की, पहचानने की, अनुभूति करने की, भावना करने की, भावना के ऊपर फिर विचार करने की, है ना, भीतर हमारे एक सामर्थ्य विशेष मालूम पड़ती है। उसी की वजह से मैं महसूस कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ, मेरे भीतर भावना उठती है। ऐसा एक सामर्थ्य है, वह सामर्थ्य मन कहलाता है, और वह मन इंद्रिय सामर्थ्य का क्या है? दृष्टा है। तद्दृश्यम दृक्तुमानसम। अब हमारे भीतर मनस तत्व की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, चाहे भावना हो, चाहे विचार हो, चाहे मनन हो, दृश्याधिवृत्तय साक्षी, वो सभी मालूम पड़ती हैं। मनस तत्व का समूचा व्यवहार क्या होता है? मालूम पड़ता है, ज्ञात होता है। मनस तत्व का एक भी ऐसा व्यवहार नहीं है जो अज्ञात हो। हाँ, उसको हम बहुत ध्यान न दें वो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मन में कोई वृत्ति आवे और वो अज्ञात रह जाए, ये नहीं होता। अच्छा, इसको कहाँ परखेंगे? भीतर भीतर कहना चाहिए, शरीर से बेहतर शब्द ये है। अपने ही भीतर महसूस करके देख सकते हैं कि वृत्ति कोई ऐसी नहीं है जिस जो अज्ञात रह जाए, कि आपसे बच के निकल जाए, कि आपसे छुप के निकल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। दृश्याधिवृत्तयः साक्षी। अब वो जिसके सामने ही सब होता है, जिसको मालूम पड़ता है, उसका नाम रखा साक्षी। कल एक प्रश्न बच्चों ने किया कि जो ज्ञान है, रूप का भी जो दर्शन है, वो तो अंततः साक्षी को ही होता है, इसलिए दृष्टा केवल साक्षी ही है, बाकी दृष्टा के साधन हैं। वो एक दृष्टि से सही है, लेकिन वो सर्व दृष्टि से सही नहीं है। इसमें दृष्टा शब्द का अभिप्राय क्या है? कि जिसके बिना आप वो काम नहीं कर सकते, माने साक्षी के होने पर भी रूप दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए साक्षी एक सामान्य भूमिका में है। अच्छा, मन के होने पर भी रूप दर्शन नहीं हो सकता अगर नेत्र न हो तो, मन भी सामान्य भूमिका में है। इसको बोलते हैं साधारण करण, अगर करण की भाषा बोलनी हो तो। जैसे सुनने के लिए भी आकाश चाहिए, देखने के लिए आकाश चाहिए, चलने के लिए भी आकाश चाहिए, लेकिन फिर दर्शन क्रिया में प्रकाश सहायक है, ये क्यों बोलते हो? क्योंकि दर्शन क्रिया में प्रकाश असाधारण तत्व है। कैसा तत्व है? असाधारण तत्व है। प्रकाश तो सामान्य तत्व, सॉरी, आकाश तो सामान्य तत्व हो गया। सामान्य तत्व का अंग्रेजी में चाहे तो अनुवाद करें कॉमन फैक्टर। उसके होने न होने, उसके होने पर भी एक घटना नहीं घटती है ये। तो जिसके होने पर घटती है और जिसके न होने पर
नहीं घटती है, वो सीधा उसका क्या बना, कारण बना। ये है तो नेत्र जो है वो क्या बना, असाधारण करण है। इसलिए दृष्टा का, दृष्टा शब्द की सार्थकता नेत्र में ही मानी जाएगी। इसी तरह से श्रोत्र में ही मानी जाएगी। तो दृष्टांत कल लोग कई बार बिजली बिजली का दे रहे थे, तो मैं आज बिजली का दृष्टांत देता हूँ। तो बिजली जो है एक सामान्य साधन है, लेकिन गर्मी का कारण किसको मानते हो, हीटर को कि बिजली को? प्रकाशन की तरफ मत चले जाना, वही मैं टोकता हूँ फिर। टोका टोकी किसी को अच्छी लगती नहीं, न लगे। अब हमारा धर्म है, स्वधर्म है, मैं क्या करूं। तो असाधारण करण हीटर में किस बात के लिए है, गर्मी के लिए है। अब अगर आप बिजली को जिम्मेदार ठहराओगे तो वो तो सामान्य कारण है। तो बिजली का कनेक्शन ले लो और गर्मी लो, वो नहीं हो सकता। इसी तरह से ठंडक के लिए फिर, अब ये कॉन्ट्रोडिक्टरी वाक्य हो जाएगा कि ठंडक के लिए भी बिजली जिम्मेदार और गर्मी के लिए भी बिजली जिम्मेदार, ये तो विरोधी वाक्य हो गया। इसलिए जिम्मेदारी अगर तय करनी है तो किसकी करेंगे, हीटर की और एयर कंडीशन की? बोले ये जो दृश्य आ रहा है, पिक्चर आ रही है, ये बिजली के कारण आ रही है, एक दृष्टि से सही है। लेकिन जो असाधारण करण है उसी का उल्लेख होता है और होना चाहिए। अगर किसी को पिक्चर देखना है तो वो केवल कनेक्शन से काम नहीं चलता, उसको क्या, वो डिवाइस खरीदना पड़ेगा। तो आप इतना समझ लो, दो शब्दों को पकड़ लो, एक साधारण करण हुआ, एक असाधारण करण हुआ। ये तो एक विशेष ज्ञान के लिए एक विशेष करण है, वही उसका जिम्मेदार माना जाएगा। इसलिए यह वाक्य निर्दोष है। क्या वाक्य, कि रूपम दृश्यम लोचनम दृक्। हमारे आचार्य लोग सदोष वाक्य क्यों बोलेंगे? तो एक ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब कहते हैं दृश्याधिवृत्तय साक्षी, वृत्तय दृश्या। इस पर कल हमने आपका ध्यान दिलाया था कि इसको बहुत सावधानी से देखना, क्योंकि एक श्लोक में तीन बार दृश्य दृश्य शब्द आया, रूपम दृश्यम भी कहा, फिर नेत्र को भी तद्दृश्यम कहा, और अब वृत्तियों को भी दृश्य। माने इस शब्द का तीन बार एक श्लोक में उच्चारण हुआ है। तो उसका क्या कहना चाहते हैं स्वामी जी, क्या बोलना चाहते हैं? वो ये बोलना चाहते हैं कि दृश्य धर्मिता सभी में दिखाई देती है, ये याद रहे। रूप में भी दृश्य धर्मिता है, इंद्रिय में भी दृश्य धर्मिता है, और मन में भी, मन की वृत्तियों में भी दृश्य धर्मिता है। अच्छा, ये तो वक्तव्य हो गया। आप इसकी जांच करके देख लो कि इन तीनों में दृश्य धर्मिता है या नहीं है, और एक बार ये सिद्ध हो गया तो बस हमेशा के लिए सिद्ध मान लेना चाहिए, फिर पलटी नहीं मारनी चाहिए, है ना? नहीं तो चिंतन में दोष आता है फिर। अब प्रश्न है कि जब ये दृश्य हैं तो ये किसके दृश्य हैं? तो उसका नाम लिया साक्षी। साक्षी के लिए विशेष रूप से एक शब्द लिखा विद्यारण्य स्वामी जी ने,
क्या लिखा? दृक् एव न तू दृश्यते। अब कितना बड़ा वाक्य है कि बोले ये दृष्टा ही है, इतना कहने से संतोष नहीं हुआ, निगेटिवली भी बोलते हैं, ये दृष्टा ही है और कभी दृश्य नहीं बनता। तो क्या मतलब है कि साक्षी एक ऐसा तत्व है जिसमें दृश्यत्व नहीं है, दृश्य धर्मिता नहीं है। तो कल चर्चा में ऐसे चलते चलते कभी चर्चा होती है तो लोग कह रहे थे कि ये तो जीव है, साक्षी जो है वो कौन है? जीव है, और इसका भी जो साक्षी होगा वो असली साक्षी होगा। तो ध्यान देना आप लोग कि इसका मतलब जिसको आप साक्षी को जीव कह रहे हो तो उसमें दृश्य धर्मिता को स्वीकार कर रहे हो कि ये भी दृश्य बनेगा। किसका? किसी और का। तो यहां तो निषेध है, न तू दृश्यते। हम देखो तो शास्त्र विरोध हो गया ना आपके चिंतन में। तो आपके चिंतन पर जब तक शास्त्र मुहर न लगा दे तब तक वो तो इनकरेक्ट है। यहां साक्षी उस पदार्थ को कहा गया है जो दृक् ही है और कभी किसी का दृश्य, ये वाक्य है। अब अगर हम किसी और एक साक्षी को स्वीकार करके बैठेंगे तो इसमें दृश्य धर्मिता स्वीकार करनी पड़ेगी जो शास्त्र ने मना किया है। ये तो महत्व देखो वाक्यों का। हमारे चिंतन को खुला नहीं छोड़ा जाता। श्रुति मतः तर्क, विचार जो है हमेशा श्रुति सम्मत हो, शास्त्र के लाइन में हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फाइनल साक्षी की बात कही जा रही है, कभी इसमें एरर मत करना आप। ये दृक् एव मन का जो दृष्टा है, धी वृत्तियों का जो दृष्टा है वो अंतिम दृष्टा है और उसमें किसी भी समय दृश्य धर्मिता नहीं होती। ये एक श्लोक हो गया आपका। अब जो चार श्लोक हैं आगे, बल्कि तीन श्लोक हैं, वो इसी श्लोक की व्याख्या है। आगे के जो तीन श्लोक हैं ये विवरण है, व्याख्या है इसी पहले श्लोक की। देखो पहले श्लोक की जो पहली पंक्ति है उसके ऊपर एक श्लोक लिखा, दूसरा श्लोक पहली पंक्ति की व्याख्या करने के लिए स्वामी जी ने लिखा। क्या लिखते हैं? नील पीत स्थूल सूक्ष्म ह्रस्व दीर्घादि भेदतः। चलो पढ़ लो, थोड़ा हल्के हो जाओगे आप, अभ्यास भी हो जाएगा। वैसे हमारा अभ्यास ये है कि एक बार पाठ कर लो फिर उसको समझाओ, समझते जाओ, खंड न पड़े। तो हम ऐसे ही चलते हैं, हैं? आप अपना शास्त्र देखते रहना। कई बार क्या होता है, नहीं पढ़ने पर फिर से आप लोग हमें ही सुनते रहते हो। मैं तो बोलता हूँ शास्त्र वचन पर, मेरा कोई स्वतंत्र वक्तव्य तो यहाँ नहीं हो रहा है। तो वहां नजर होनी चाहिए। क्या बोलते हैं? नील पीत स्थूल सूक्ष्म ह्रस्व दीर्घादि भेदतः नाना विधानि रूपाणि पश्येत लोचनम एकधा। अब ये पूरा का पूरा श्लोक, चार पादों वाला श्लोक,
पहली पंक्ति की व्याख्या है। पहली पंक्ति में था रूपम दृश्यम लोचनम दृक्। तो अब कहते हैं रूप शब्द से मैं क्या मानता हूं वो सुन लो। रूप में क्या क्या आता है? बोले नील पीत। नील पीत माने जितने रंग हैं वो सब रूप शब्द के अर्थ के भीतर हैं। तो रूप में केवल आप आकार न पकड़ना, रूप शब्द में रंग शामिल है। नील पीत देखो, तो नील पीत जो दो शब्द हैं उससे सारे रंगों का उल्लेख उन्होंने कर दिया। और ठीक भी है, क्योंकि रंग नेत्र भाष्य ही है। रंग कोई पृथक विषय हो नहीं सकता, क्योंकि वो नेत्र भाष्य है। ये आया पकड़ में? सो नेत्र भाष्य होने के नाते बस समझो आप पक्का हो गया। नील पीत, नीलिमा और पीलीमा, लालिमा कालिमा जो भी है। नील पीत स्थूल सूक्ष्म छोटा बड़ा, यहां स्थूल सूक्ष्म का अर्थ छोटा बड़ा, आकार में छोटा बड़ा। एक बहुत बड़ा भवन है, एक छोटा भवन है, एक पर्वत है और एक रज कण है, ये एक धूली कण है। सूक्ष्म शब्द का पारिभाषिक अर्थ अलग है, लेकिन यहां प्रसंग विशेष में स्थूल सूक्ष्म का अर्थ है छोटा, आकार में बहुत बड़ा और बहुत छोटा। दोनों के दोनों नेत्र से भासित होते हैं, नेत्र दृश्य होने के नाते दोनों ही रूप हैं। नील पीत स्थूल सूक्ष्म ह्रस्व दीर्घादि भेदतः। तो कोई ह्रस्व है, कोई बहुत दीर्घ है। ये क्या हुआ? लंबा और छोटा, बड़ा नहीं बल्कि लंबा। एक रूप है बड़ा लंबा है। बड़ा शब्द का अर्थ जब हम बोलते हैं तो उसका भी प्राय रूप की विशालता से होता है, लंबाई जरूरी नहीं है। जैसे हिमालय क्या है? विशाल है ये। और छोटी सी एक पहाड़ी हो तो उसकी तुलना में छोटी हो गई। तो ये अर्थ करेंगे स्थूल सूक्ष्म। अथवा हिमालय बहुत विशाल है और इसकी एक धूल उठाई तो उसको सूक्ष्म शब्द से बोलेंगे, उसको ह्रस्व नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सूक्ष्म बोल देंगे। लेकिन एक लंबी चीज है, फिर एक छोटी लाइन है, तो वो दोनों के दोनों रूप की श्रेणी में हैं। हेतु एक ही है। क्या हेतु है? क्योंकि ये सभी के सभी नेत्र भाष्य है। हाँ, ये पक्का शब्द बोलना, नेत्र भाष्य है। तो अब क्या परिभाषा बनी? यहां इस संदर्भ में परिभाषा ये बनी, यद नेत्र भाष्यम तद रूपम। ये अब रूप की एक परिभाषा बन गई। यद यद नेत्र भाष्यम तत् तद रूपम इति उच्यते। जो जो नेत्र से भाषित हो वो सभी का सभी रूप संज्ञा का वाच्य बनेगा, रूप नाम से जाना जाएगा। ये अच्छा भाई, अब यहां छह शब्द दिए रूप में। रंग का वाचक नील पीत, आकार का वाचक स्थूल सूक्ष्म, लंबाई चौड़ाई का, लंबाई छोटाई का ह्रस्व दीर्घादि। तो इन छह मापदंडों में इतनी फिर विविधता आ जाती है कि असंख्य हो जाती है संख्या रूपों की। कहते हैं एक पत्ता दूसरे पत्ते से भिन्न होता है रूप में, रंग में।
रंग भी उसका एकदम एक नहीं होता, हरा पत्ता भी होगा तो दोनों की हरितिमा में भेद हो जाएगा, आकार में भेद हो जाएगा। कहते हैं 7.5 अरब लोग लगभग रहते हैं इस धरती पर, किसी का चेहरा नहीं मिलता। नारायण, कमाल है, माने हद है, माने आदमियों में इतना है, फिर कितने कीट पतंग। नारायण, तो रूप की दुनिया कितनी बड़ी, बोले गिनने जाओगे तो अंत नहीं मिलेगा, इसलिए उसको हम अनंत बोलते हैं। हम देखो ये पहली पंक्ति का विवरण कर रहे हैं, विवरण विस्तारण। नील पीत स्थूल सूक्ष्म ह्रस्व दीर्घ आदि भेदता नाना विधानी रूपाणी, बहुवचन किया। रूपाणी कति विधानी, नाना विधानी। ओया, तो रूप संसार की अनंतता का उल्लेख कर दिया। केवल एक गुलाब का पुष्प लेके बैठे हैं वो वैसा न हो जाए, इसके लिए बोले भाई जरा फैलाओ अपनी दृष्टि को, नाना विधानी रूपाणी। बोले हाँ महाराज ये तो सही है। तो इन सभी का जो अवभासक तत्व है वो नानाविध नहीं है, नाना विधानि रूपाणि पश्येत लोचनम एकधा, लोचनम एकधा रूपम अनेकधा। ये तो एक नियम और झांकने लग गया कि नहीं, कि दृश्य में, हाँ दृश्य में अनेकता होगी, दृष्टा में दृश्य की अनेकता के कारण अनेकता मानने की आवश्यकता नहीं है। एक दृष्टा असंख्य दृश्यों का अवभासक हो सकता है। तो आपके चिंतन का जो पथ है वो कहीं कहीं निर्दिष्ट हुआ यहां पर। चिंतन का पथ है अनेक से एक की ओर जाना। तो दृष्टा का चिंतन माने क्या हुआ, अनेक से एक की ओर बढ़ना। ये श्लोक में जो निष्पत्ति निकलती है उसको एकदम चुनना चाहिए, बना। इस श्लोक में दो बातें आ गई, रूप की परिभाषा आ गई और दृष्टा और दृश्य के बीच का एक सत्य जाहिर हुआ, एक सत्य प्रकट हुआ। क्या, कि दृश्य में अनेकता है तो होवे, तो ये हेतु मत बनाना कि चूंकि दृश्य अनेक है हाँ इसलिए दृष्टा भी अनेक होना चाहिए, ये नियम मत बनाना। इस नियम का मैं खंडन करता हूं। कैसे करते हैं, क्योंकि देखो आप नाना विधानी रूपाणी, रूप तो नाना विध हैं, असंख्य हैं। लोचनम एकधा लोचनम पश्येत, सो नियम बना कि एक दृष्टा से असंख्य दृश्य भासित हो सकते हैं। कम से कम ये नियम पहले से ही निषिद्ध हो गया कि चूंकि दृश्य अनेक हैं हाँ इसलिए दृष्टा को भी अनेक होना चाहिए, ये नियम गलत हो गया। तो आगे से कभी इस नियम को आप हाजिर नाजिर ना करना, करना हो तो जांच लो आजकल में, नहीं तो पता चला कि अनजाने में ये नियम दिमाग में घूम रहा है और किसी समय चिंतन में आके उसने कहा मेरा शासन चलेगा। ध्यान रखना जो नियम बना लेते हो फिर वो शासक बन जाता है, किसका, आपके चिंतन का।
श्री शंकराचार्य जी महाराज बड़े आराम से बोलते हैं, अयम किम वेद वचन, ऐसे बोलते हैं, अयम अस्ति नियम, क्या ऐसा नियम है जो तुम कह रहे हो, जांचो इसको। कभी ऐसे बोलते हैं, नायम अस्ति नियम, ऐसा कोई नियम नहीं, क्योंकि रूलर, अब जैसे मतलब दृष्टा दृश्य अलग होते हैं, अब ये नियम बन गया तो ये आपके चिंतन का शासक है, आप इधर उधर नहीं हो सकते। वंस यू हैव डिसाइडेड एंड रीच टू द फाइनल कि नहीं ये नियम हो गया तो नियम हो गया बस। तो इसलिए सावधान, तो ये नियम बना, कम से कम ये नियम निषिद्ध हो गया कि अनेक दृश्य के अनेक दृष्टा होंगे, ऐसा बिल्कुल नियम गलत होता है। पश्येत लोचनम एकला, अब आपका ध्यान जाए तो ध्यान जाना चाहिए कि ये चारों पाद पहली पंक्ति का अर्थ है। पहली पंक्ति क्या था, रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, बस। अब तीसरा श्लोक देखो, वो दूसरी पंक्ति का विवरण है। शैली देखो आप, ग्रंथ का प्रवाह कैसे होता है उसको पहचानो। दूसरी पंक्ति है पहले श्लोक की, तद्दृश्यम दृक्तु मानसम, तो नेत्र इंद्री भी दृश्य है और उसका दृष्टा है मन। नौ, तीसरा श्लोक क्या बोलता है, आंध्य मांध्य पटुत्वेषु नेत्र धर्मेषु च। अब नेत्र में स्वगत धर्म भेद है, नेत्र धर्मेषु बहुवचन किया, नेत्र के धर्मों में, ये देखो पहले नेत्र एक है, नेत्र तो एक है, लेकिन नेत्र के ही भीतर जो धर्म है उसके वो अनेक हो सकते हैं, इसको बोलते हैं स्वगत भेद। स्वगत भेद का अर्थ है कि जैसे आपका शरीर एक है, लेकिन एक शरीर में ही हाथ अलग हैं, पैर अलग है, सिर अलग है, उंगलियां अलग हैं, पेट अलग है, पीठ अलग, तो यह भेद कैसा हुआ, स्वगत, एक में फिर बहुत अनेकता है। तो नेत्र को दो नहीं बोल रहे हैं, नेत्र एक है लेकिन धर्म अनेक हो गया। क्या धर्म अनेक हैं, तो उसका उल्लेख किया उन्होंने, आंध्य माने अंधता, मांध्य मंदता कम दिखाई देना, पटुत्वेषु और बहुत अच्छा दिखना, ये मोटी मोटी तीन बातें बोली जा सकती हैं। किसी को बहुत अच्छा दिखता है, किसी को कम दिखता है, किसी को नहीं दिखता है। ये मोटी मोटी बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके बीच में नेत्र की बहुत स्थिति हो सकती है, नहीं तो इतने नंबर क्यों होते भाई अगर तीन ही स्थितियां होती तो कम दिखता है उसमें इतने नंबर लग जाते हैं, इनको इतना कम दिखता है, इनको इतना कम दिखता है, इनको इतना कम दिखता है, ऐसे महाराज करते कराते, वो भी मोटा ही मोटा है। अगर एक्यूरेट कितना कम दिखता है उस पर जाएंगे तो अनंत पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि मुझे 10 दिन पहले जितना अच्छा दिखता था, हाँ, बाद में उतना उससे चाहे किंचित कम हो गया हो, कम हो जाता है। वो कम दिखता है वो हमारी नोटिस में तब आता है जब एक नंबर बदलता है लेकिन क्या वो ओवरनाइट नंबर बदला क्या, वो तो घटते, वो तो क्षण क्षण घट रहा होगा ना,
एक दिन हमारी नोटिस में आया कि हाँ ये तो घट गया। ये ऐसा ही है जैसे एक युवक प्रौढ़ हो गया, तो क्या सो के उठा और प्रौढ़ हो गया? नो। जिस क्षण वो युवक बना था वो क्षण विशेष के तुरंत बाद हाँ वो प्रौढ़ होने की प्रक्रिया उसकी शुरू हो गई। नोटिस में किस दिन आया? जब उसकी वृद्धि रुक गई और डॉक्टर साहब ने कहा कि एक नंबर का चश्मा लगा लो। मैंने पूछा डॉक्टर साहब जरा चेक करिए, मुझे पढ़ने में कभी लगता है दिक्कत होती, आयु क्या है आपकी? हमने कहा इससे क्या मतलब, मैं कहता हूँ आप चेक करो आँख, आप आयु पूछ रहे हो, तो मित्र थे इसलिए मैंने कहा। तो बोले नहीं, अगर 40 की हो गई हो तो एक नंबर लगा देता हूँ। मैंने कहा ये क्या पैरामीटर आपने बना रखा है भाई? बोले यही पैरामीटर है। चेक भी किया और एक नंबर लगा ही दिया महाराज। तो वो तो थोड़ा 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 क्षीण होते 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 एक दिन एक नंबर पकड़ में आया। तो नेत्र धर्मेशु बहुवचन है, उसमें मोटी मोटी तीन बात कही जा सकती है, अंधता, मंदता और पटुता। आंद्य मांद्य पटुत्वेशु नेत्र धर्मेशु। बोलिए नेत्र का धर्म है, ये रूप का धर्म नहीं है, पकड़ में आया? रूप का धर्म क्या था? नील पीत। हाँ ये ना होए कि रूप में जो घटाने लग जाएं कि रूप अंधा होता है मंदा होता है। हाँ हाँ धर्म का धर्मी कौन है ये पक्का होना चाहिए। धर्म क्या है? अंधता, मंदता, पटुता। धर्मी कौन है? नेत्र। पता चला धर्म किसी का धर्मी किसी को गला पकड़ लिया, और ऐसे ना कर लेना। तो नेत्र धर्मेशु, अब इसमें भी बहुलता आ गई, नेत्र धर्मों में भी। संकल्पयेत मनः, एकधा मनः संकल्पयेत, उसी नियम का फिर से पोषण करते हैं। आंद्यमांद्य पटुत्वेषु नेत्र धर्मेषु च एकधा मनः संकल्पयेत। तो बोले देखो यहां भी दृश्य में अनंत्य है, दृश्य में अनेकता है, लेकिन उसका जो अवभासक है वो एक है। मनः एकधा मनः संकल्पयेत। वाह वाह, संकल्पित माने उसको जानता है, उसके संज्ञान में ये सारे धर्म आते हैं। अंग्रेजी में कहें तो परसीव करता है। संकल्पित का अर्थ क्या हुआ? परसीव करना, सम्यक कल्पयेत। आप बोलते हो ना जब कोई चीज समझ में नहीं आती तो बोलते हैं ये हमारी कल्पना के भी बाहर है। ये देखो when it goes beyond our comprehension or perception then we say it is beyond my comprehension। तो जब comprehend करता है मन, उसके लिए शब्द क्या यहां दिया? संग कल्पयेत। वो मन है जो उसकी संकल्पना, सम्यक कल्पना करता है, इन सारे धर्मों को वो पकड़ लेता है, जान लेता है। यह मुझे कम दिख रहा है, ओनली आई विल नो कि मुझे कम दिख रहा है।
कल लिली माँ मिली, मैं आ रहा था, देखा जा रही है तो मैं गया उनके पास। बोले आई एम टोटली ब्लाइंड स्वामी जी। तो मुझे दृग दृश्य विवेक याद आ गया। बोले देखो अंधता को भी ये जानती हैं कि मैं क्या ब्लाइंड हूँ। किसने बताया उनको ब्लाइंड? मैंने नहीं, दूसरा बता ही नहीं सकता। कह संकल्पयेत मनः संकल्पयेत, उनका मन ही जानता है। ओहो, अब हम लोग जो है ना उनको उत्साहित करने के चक्कर में, नहीं नहीं आपको सब बहुत अच्छा दिखता है, तुम कौन होते हो बोल। हम लोग उठ करके प्रायः कितना ना आपको ठीक दिख रहा है। आप थोड़ो हो उनके नेत्र धर्मों के अभासक। नेत्र धर्मों के अभासक कौन? उनका खुद का मन। एंड इफ दैट इज सेइंग कि नहीं भैया नहीं दिखता है तो बस ठीक है, दैट इज फाइन। मुझे छुआ हुआ उन्होंने बहुत। हमने कहा आप देखो स्पर्श इंद्रिय से रूपक ज्ञान का प्रयास हो रहा है। नेत्र धर्मेषु चैकधा संकल्पयेत मनः। अब एक सलाह दी और हमारे लिए होमवर्क दे दिया विद्यारण्य स्वामी ने। क्या दिया? त्वक आदौ योज्यताम इदम। इदम यह जो मैंने नियम अभी आपको बताया, ये जो हमने कुछ सिद्धांत आपको बताए, इदम योज्यताम, बोले इन नियमों का नियोजन बाकी जगह आप खुद कर लो। बोले बाकी जगह माने क्या? त्वगादौ है ना, संकल्पयेत मनः श्रोत्र त्वक आदौ योज्यताम इदम। ये श्रोत्र माने श्रवण इंद्री, त्वक माने त्वगेंद्री, इसी तरह से सारी इंद्रियां, आदव पद से सारी इंद्रियां। बोले हमने एक नेत्र का करके दिखा दिया, अब दसों का मैं अलग अलग से करूंगा नहीं। दिस इज द होमवर्क फॉर यू। देखो आचार्य लोग कितनी मिठास से बोलते। योज्यताम इदम, इन नियमों का योजन करो, प्रयोग करो। कहां पर? बाकी इंद्रियों में। क्योंकि दृष्टा का प्रसंग आ रहा है इसलिए केवल ज्ञानेंद्रियों में ही ये घटेगा, क्योंकि कर्म इंद्रियां तो दृष्टा नहीं है। आता है ना पकड़, पकड़ में आता है। तो इसलिए अब कैसा नियम घटाओगे आप कि शब्द और श्रोत्र दोनों दोनों अलग अलग होने चाहिए। अब घटाने का ये तरीका है। उन्होंने कहा योज्यताम, तो कैसे योज्यताम, आप कैसे करोगे? तो जैसा नेत्र के विषय में आपने सब घटाया वैसा फिर सभी इंद्रियों में घटाओ। तो शब्द और श्रोत्र अलग अलग होते हैं, ठीक। श्रोत्र तो गोलक हो गया एक, तो वो तो रूप श्रेणी में चला गया। तो ये श्रोत्र क्या है? बोले श्रवण सामर्थ्य विशेष, ऐसा बोलना चाहिए। श्रवण सामर्थ्य विशेष का नाम श्रोत्रेंद्रिय है। शब्द कितने हैं? असंख्य। उनका अवभासक श्रोत्रेंद्रिय कितनी? एक। वो सारे नियम जो पहले सिद्ध हो चुके हैं, यू हैव टू अप्लाई ऑल दोज लॉज इन दिस थिंग्स।
यही होमवर्क है, ये भीतर बैठ के सब करना है। देखो फिर श्रोत्र में भी मंदता आती है, कम सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है, ठीक सुनाई दे रहा है, तो पटुत्वेषु इत्यादि धर्म फिर घटेंगे कि नहीं घटेंगे, सब में घट जाएंगे। डायबिटीज लंबी हो जाए तो पैरों में त्वगेंद्री जो है वो अवकाश पर जाने लग जाती है, कम स्पर्श होता है, मांद्य पता चलता है, हमें ही हो जाता है, गुरुदेव को होता नहीं था। चप्पल पहना उन्होंने कि नहीं पहना उनको पता ही नहीं चलता था। तो हम साथ में रहते थे तो हमेशा ही देखते थे, कभी ऐसे ही उतर गए कार में से चप, तो उनको नहीं मालूम पड़ता कि पहना कि नहीं पहना। आपको आश्चर्य होता होगा ना, क्योंकि आपकी त्वगेंद्रिय अभी बिल्कुल जगमगाई हुई है, तो ऐसा पक्का मत समझ लेना। सारी इंद्रियों में ही धर्मों की अनेकता है। और सभी इंद्रियों के सभी विविध धर्मों का अवभासक संकल्पक कौन है? मन है। त्वगादौ योज्यतामिदम्। तो इंद्रिय दृश्य का दृष्टा एक मन है, ये बात सिद्ध हुई। दृश्य इंद्रियों में धर्मों की अनेकता होने पर भी दृष्टा मन में अनेकता नहीं है, और इसलिए यह नियम नहीं बन सकता कि अनेक दृश्य होने के कारण दृष्टा अनेक होने चाहिए। अब तीसरी पंक्ति का अर्थ देखो। तीसरी पंक्ति क्या थी? दृश्याधिवृत्तयः साक्षी, यही था ना पहले श्लोक की तीसरी पंक्ति, याद हो जानी चाहिए अब तक तो आप लोग। पहली पंक्ति का क्या अर्थ, क्या क्या पंक्ति है वो, तीसरी पंक्ति क्या? हाँ, दृश्याधिवृत्तयः साक्षी। ये मैं तो जोर देता हूँ, ध्यान रखना, स्मरण रहे तो चिंतन में बहुत मदद मिलती है, मेधा हो नहीं तो चिंतन में परेशानी होती है। कल एक श्लोक अवध ने बताया तो अच्छा लगा मुझे चलते चलते, तो बाकी लोग तो याद नहीं करते हैं, हम क्या करें। जानामी जो शब्द है वो कहाँ घटता है, तो उन्होंने वो श्लोक बताया, अच्छा लगा। आत्मबोध में आप लोगों ने पढ़ा है, मुझे मालूम नहीं कितने लोग बोल पाएंगे, हालांकि वो गंभीर श्लोक है, बहुत महत्व का है। तो वो प्रयास होना चाहिए कि ग्रंथ सारे के सारे याद हो जाए, न होए वो बात अलग है, लेकिन आप करो तो सही। क्या बोलते हैं, आत्मनः सच्चिदंशस्य बुद्धेर बुद्धेर वृत्ति रतिद्वयम् संयोज्य चा विवेकेन, है ना, जानामीति प्रवर्तते। ये जानामी जो शब्द है, साक्षी पर बात हो रही थी, तो जानामी शब्द कहाँ घटता है उसका विवरण किया भाष्यकार ने। जानामी इति प्रवर्तते, ये सूक्ष्म क्षेत्र है वेदांत का, उस पर एक श्लोक है जो मदद कर सकता है आपकी। बोले मैं अपने आप ही चिंतन करूँगा, वो तो फिर मुबारक हो, क्योंकि स्वतंत्र चिंतन तो कहीं नहीं ले जाता। आत्मनः सच्चिदंशस्य बुद्धेर वृत्तिरिति द्वयम्।
संयोज्य चा विवेकेन जानामि इति प्रवर्तते, ऐसे बोलते हैं। आत्मनः विक्रिया नास्ति, वो नहीं, आत्मनः विक्रिया नास्ति बुद्धिर्बोधो न जायते। कैसा बोलते हैं, आत्मा में विक्रिया नहीं है और बुद्धि में चेतना नहीं है, दोनों के परस्पर मेल के बिना जानामी की बात हो नहीं सकती। कैसा महीन है, जानामी एक क्रिया है, ध्यान रखना, वो आत्मा में माने तो उसमें तो विक्रिया नहीं है और बुद्धि में माने तो उसमें चेतना नहीं है। कैसी सूक्ष्म है वो, उसके लिए जो अध्यात्म विद्या का प्रेमी है, जो अपने में घटाना चाहता है, जिसको मुमुक्षा थोड़ी थोड़ी जगी और ज्यादा जगी हो, तो उसके लिए ये अमृत हो जाता है। आप जानते हो, जिसको भूख न लगी हो उसको बढ़िया से बढ़िया पकवान क्या बेकार ही है। भूख लगे तब पता चलता है भोजन की कीमत क्या। तो एनीवे, यहां बात आई तीसरी पंक्ति की, दृश्या, मैंने याद करने के ऊपर ही बोल दिया। पहला श्लोक की, पहले श्लोक की तीसरी पंक्ति का विवरण किया चौथे श्लोक में। तीसरी पंक्ति क्या है, दृश्या धी वृत्तयः साक्षी, धी वृत्तयः दृश्याः, कस्य दृश्याः, बोले साक्षी, साक्षी का वो दृश्य है। अब उस पर विवरण करते हैं चौथे श्लोक में, क्या क्या विवरण किया। कामः, अब धी वृत्तयः क्या है, जैसे रूप क्या है वो बताया, जैसे नेत्र धर्म क्या है वो बताया, अब धी वृत्तियां क्या है वो बताते हैं। कामः, संकल्प, संदेहौ, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, इतरे, इतरे माने और भी सारी, ह्रीहि, ह्रीहि माने लज्जा, ह्रीहि, भीहि, ह्रीहि, धीहि, धीहि माने बुद्धि, विचार, ह्रीर, धीर, भीर, भीहि माने भय वृत्ति, इति एवं आदीन। देखो, दो पंक्तियों में विवरण किया कि धी वृत्तियां होती क्या है। क्या क्या बताया, कामः, संकल्प, माने इतनी ही नहीं है ये मत समझ लेना, ये केवल उपलक्षणा है, एक संकेत मात्र है कि पहचान में आ जाए। कामः, संकल्पः, संदेहौ, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, धृति माने धीरज वृत्ति, इतरे, इतरे माने और सारी, फिर ह्रीहि, लज्जा वृत्ति, धीहि, विचार वृत्ति, भीहि माने भय वृत्ति, और फिर बोले अब कहाँ तक गिनाए, क्योंकि वृत्तियां स्वयं फिर असंख्य हैं, तो उन्होंने आगे लिख दिया इति एवं आदीन, ऐसे ही और सारी वृत्तियां, काम, संकल्प, संदेह, श्रद्धा, श्रद्धे, धृति, तरे, ह्रीर्धीर, भीर्वम आदीन। तो वृत्तियों में असंख्यता है, ध्यान दो जरा, मन एक है लेकिन फिर मन में जो स्वगत भेद है वो भेद कितना है, वो असंख्य है। मन की वृत्तियां कितनी, बोले असंख्य है। मन कितना, ये ना बोल देना कि मन भी अनेक है,
मन का स्वयं के भीतर एक भेद है। वृत्तेवमादीन भासयति एकधा चिति। ये देखो, इन सारे भेदों वाले मन को, असंख्य वृत्तियों को एक चिति तत्व प्रकाशित करता है। भासयेत एकधा, क्या चिति ही। तो प्रथम श्लोक में कहा था साक्षी और चौथे श्लोक में कहा चिति। साक्षी इसलिए कहा था क्योंकि वह बिना साधनों के देखता है, और चूंकि देखता है इसलिए वो जड़ नहीं हो सकता, इसलिए अब उसका एक नाम रखा गया चिति। सेफ, सुरक्षित नाम है ये, कि साक्षी निश्चित रूप से चेतन होगा। पहले नहीं कहा था ये, अब बोलते हैं कि जो साक्षी है वह निश्चित रूप से चेतन तत्व ही होगा। जड़ता में प्रकाशन सामर्थ्य नहीं है, प्रकाशन धर्म नहीं है, न वो स्वयं को प्रकाशित करता है न अन्य को प्रकाशित करता है, उसी को जड़ बोलते हैं। तो भासयत्येकदाचिति, तो साक्षी तत्व तो कैसा है, बोले एक बात तो जरूर कही जा सकती है कि वो चेतन है। दूसरी बात ये कही जा सकती है कि वो मन से भिन्न है, ये बोलना पड़ेगा आपको। दूसरी बात यह है कि मन से भिन्न है। तीसरी बात ये कही जा सकती है कि मन की अनेकता के कारण वह अनेक नहीं है, एक चेतन तत्व है। अभी इतना ही रखते हैं आज। बहुत बढ़िया, पर आप रिफ्लेक्शन करो अपने वृत्ति को, फिर से ये सारे जो कुछ विचार हैं उन पर दौड़ाओ, कहाँ से विचार शुरू किया था, कैसे कैसे आगे बढ़े थे, कहाँ तक पहुँचे। इसको बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन, सिंहावलोकन। सिंहावलोकन माने क्या होता है, जैसे सिंह चलते चलते एक बार पीछे मुड़ता है, देखता है कि मैं कहाँ से चला था और अब कहाँ तक आया, ऐसा। ये शब्द आपने साहित्य में बार बार सुना होगा, सिंहावलोकन। सिंहावलोकन माने क्या, घूर के देखना। सिंहावलोकन माने पीछे मुड़ के कहाँ से चले थे, शुरू कहाँ से किया था, आज पहला वाक्य क्या था। हमारा तो शौक था इस बात को कि वहां से शुरू करूं रिफ्लेक्शन, जहां से वाक्य शुरू किया था गुरुजी ने। तो बोले यार ये कहाँ से शुरू किया था, ये तो याद नहीं रहा। वो तो स्वीकार है, मानी हुई बात है, लेकिन याद हो तो अच्छी बात है। पूरी विचार यात्रा में एक बार अपनी बुद्धि से खुद चल के देखिए, आप उस यात्रा के सहगामी थे कि नहीं। अगर सहगामी थे, अगर ये बुद्धि से चलना पड़ता है इस यात्रा में, तो अगर हम बीच बीच में कहीं चाय पीने चले गए थे
तो वो पड़ाव याद नहीं होंगे कि कैसे 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 चले, तो मनन होगा हो। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।